बोकारो का चीरा चास उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन दिनों चर्चा में है। यहाँ बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थमा दिया जाता है। यहाँ एक ही क्लासरूम में दो कक्षाएं चलती हैं। शिक्षक विद्यालय में कम और अवकाश में ज्यादा रहते हैं। और तो और इस विद्यालय में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सालों साल से यहाँ पदस्थापित हैं। मध्यान्ह भोजन में हरी सब्जी के बजाय बच्चों को उबला हुआ आलू दिया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्लासरूम एक और बच्चे अनेक। इस विद्यालय में 6 कमरों में 8 कक्षाएं चलती हैं और बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई छोड़कर झाड़ू लगाना, थाली धोना जैसे काम करते हैं। बच्चे शिक्षक का इंतजार करते हैं और शिक्षक बिना किसी अवकाश के मौज काटते हैं। शिक्षा प्रभारी से सवाल पूछने पर टाल मटोल के बाद जवाब आता है कि हाँ, कभी कभार बच्चे क्लासरूम में झाड़ू लगा देते हैं। आप पर आरोप है कि आप बच्चों से झाड़ू लगवाती हैं। नहीं तो बच्चों का ऐसा कहना है कि क्लास में झाड़ू लगवाया जाता है, जूठा साफ करवाया जाता है। नहीं, जूठा तो इलो साफ करती है, खाना खाने के बाद तो रसोईया साफ। ऐसा बच्चों का कहना है, हम लोग नहीं बोल रहे। बच्चा सुबह में सिर्फ देता है, जब क्लासरूम सिर्फ जब आता है उस समय, और अभी तो इन लोग रसोईया खाना खिलाने के पहले एक बार साफ करती है, फिर खिलाने के बाद बरामदा साफ करती है जूठा। तो बच्चों से झाड़ू कब लगवाया जाता है? वो सुबह जब आता है ना 9 बजे, उस समय सिर्फ क्लासरूम बाहरता और कहीं नहीं होता। इसी कड़ी में हमने स्कूल की व्यवस्था को लेकर एक छात्रा से भी बात की। उसने स्कूल का पोल खोलते हुए बताया कि यहाँ ना तो ढंग से पढ़ाई होती है और ना ही यहाँ मास्टर साहब रेगुलर आते हैं। पढ़ाई तो हम कर नहीं पाते, बदले में हमसे झाड़ू लगवाया जाता है और थाली साफ करवाया जाता है। बेंच भी खराब है, खुद से झाड़ू लगाना पड़ता है। वहाँ खाना के धकला धकली में एक बार मेरा चोट भी लगा था, और फिर यहाँ खाना खाते तो फिर से उठाना पड़ता है अपने से। और यहाँ का पढ़ाई भी ढंग से नहीं होता है यहाँ, फिर यहाँ सर भी मैम छुट्टी मार लेते हैं, और इतना और फिर बाथरूम जाते तो फिर कचरा रहता है, इतना मांगते तो कहाँ कहाँ रहे। अपने से झाड़ू लगाना पड़ता है। यस सर, अब बेंच आए तो न्यू सब वही क्लास सब में रह गए। झाड़ू टीचर बोलते हैं लगाने के लिए। यस सर, कभी कभी हम लोग ही हमेशा मारते रहते हैं। तो ये सरकारी स्कूल का क्या नियम रहा? झाड़ू लगाने के लिए कौन बोलता है? सर मैम बोलते कि झाड़ू लगाना, लड़का कचरा उठाना। आपको बता दें कि विद्यालय में छात्रों की स्थिति तो खराब है ही, यहाँ काम करने वाली रसोईया की भी शिकायतों की लंबी फेरिस्त है। रसोईया सुबी देवी का कहना है कि साल में 12 महीने के जगह 10 महीने का वेतन मिलता है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। वहीं छात्रों के खाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जो मिलता है वही बनाकर दे देते हैं। हरी सब्जी के जगह सोयाबीन मिलता है, वही बनाया जाता है। सब्जी क्या चीज़ है? तो आज तो गुरुवार है, तो आज तो हरा सब्जी देने के बाद है। देखिए मास्टर लोग को पैसा मिल रहा है, खाना का पैसा आ रहा है, और जो खाना बनता है उन लोग का कहीं नहीं पैसा आ रहा है। सही बात है, है? 2000 में सर कोई गुजारा जाएगा? तब पर भी हम लोग को महीना में पैसा नहीं मिला। इन सभी समस्या से जब शिक्षा अधीक्षक को अवगत कराया गया तो उन्होंने बताया कि मध्य विद्यालय चीराचास में भवन की कमी है। हम लोग DMFT के माध्यम से 2 कमरा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही विद्यालय में 2 कमरा और उपलब्ध कराया जाएगा। शौचालय के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब बात संज्ञान में आया है, एक टीम गठित कर इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि 1996 से एक शिक्षिका आज तक एक ही स्कूल में पदस्थापित है, इस पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू किया जा रहा है। जो शिक्षक शिक्षिका 5 साल से अधिक एक स्कूल में जमे हुए हैं उनका स्थानांतरण जल्द किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से वहाँ पर 1-8 हमारा विद्यालय चलता है और कक्षा सिर्फ 6 ही कक्षाएँ हैं, तो चूँकि उसमें नामांकन कम था इसलिए उसी के आधार पर SER मिला हुआ था। लेकिन अगर उसमें ये समस्याएं आ रही हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो है जिला प्रशासन को इस बात से अवगत करेंगे, और अगर संभव हो सकेगा तो DMFT मत से जो है ना आग्रह किया जाएगा कि वहाँ पर 1-2 एडिशनल रूम जो है ना दिया जाए, कि अभी जो है विभाग के द्वारा ऑनलाइन सरप्लस टीचरों का ट्रांसफ़र होने वाला है, उसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दूसरी, इसके बाद जहां पर सरप्लस टीचर है उसके स्थानांतरण के बाद
फिर जोन वाइज ट्रांसफ़र की बात विभाग के द्वारा की गई है, उस पर भी कार्य होगा। और निश्चित रूप से जो एक ही जोन में है 5 साल से ज़्यादा, उनको जो है निश्चित रूप से उनका ट्रांसफ़र होगा। बताते चले कि इस तरह की समस्या जिले के लगभग सभी विद्यालय में देखने को मिलती है। कहीं पुस्तकालय की कमी तो कहीं पानी की कमी, तो कहीं बिजली नहीं तो कहीं शौचालय की समस्या। खासकर शिक्षकों को लेकर लापरवाही लगभग सभी स्कूलों में दिखाई देती है। बावजूद इसके राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता तथा बेहतर शिक्षा की ढिंढोरा पीटती है। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाएं वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिपलाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।